यह स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए, यह प्रासंगिक हो। विधान पार्षद के नेता सम्राट चौधरी ने कहा, गोपालगंज की जनता ने कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है। बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं। इस रिजल्ट से यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो गया है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि गोपालगंज की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया, जबकि सामने में 7 पार्टियों का कीचड़ फैला हुआ था और उस कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया, तो मैं गोपालगंज की महान जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। दूसरा है कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि 2020 के चुनाव में जब वो एनडीए के पार्ट थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि अब हम चुनावी राजनीति से बाहर हो गए और बिहार की जनता ने इसको गांठ बांध कर रखा है। गोपालगंज की जनता और मकामा की जनता ने यह तय कर दिया, जो रिजल्ट आए तो यह स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए, यह अप्रासंगिक हो गए। हम लोग बार बार कहते थे कि अब उनके पास कोई वोट नहीं, ना राजनीतिक विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस तरह विजय जी और आदरणीय नित्यानंद जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया कि जहां 95 के चुनाव में 5000 वोट आया था भारतीय जनता पार्टी को, 2020 में जब नीतीश जी हमारे साथ थे तब जो है मात्र 43-42 हजार वोट आया, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वहां 63 हजार वोट आया। तो ये बड़ा प्रतीक है कि नीतीश जी को हम लोगों के अलग होने से नीतीश जी को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ है, यह बड़ा स्पष्ट संदेश चला गया। इसलिए हम 2025 में और 24 में पूरी तरह बिहार की सभी सीटों पर 40 में 39 हम लोगों ने नित्यानंद जी के नेतृत्व में 19 में चुनाव जीता था। हम आश्वस्त करते हैं जनता का जो रुझान है कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में 40 के 39 सीट फिर जीतने का काम करेंगे, और 25 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, अब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री होगा। 2025 का इंतजार कीजिए। देखिए, जहां तक उनका बोलने का मामला है, प्रदेश में हमारे जितने नेता हैं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, यहाँ विजय सिन्हा जी बैठे हैं, ये भी राजनीतिक वर्कर है, हम लोग राजनीतिक वर्कर है, नित्यानंद जी राजनीतिक वर्कर, तो हम लोग चुनाव लड़ने जाएं तो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कोई मुकामा नहीं जाए क्या? सभी लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से मुकामा में हम लोगों ने मेहनत किया और आज 63 हजार वोट आया है, तो ये स्पष्ट संदेश है कि आगे के दिनों में कार्तिक मास्टर जी को पता चल जाए। देखिए, जहां तक बोचाहा का था तो वो तो एक चुनाव अलग था, लेकिन मोकामा का क्या संदेश है? मोकामा में नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल का समझौता हुआ और 7 पार्टी माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, इसका मतलब इन लोगों के पास वोट नहीं है, उनके वोट नहीं ना बढ़े, वो तो 78 हजार समथिंग वोट लाए थे पिछले बार भी और इस बार भी लगभग उतना ही वोट आया, तो इसका मतलब आप ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास वोट नहीं है, कांग्रेस के पास वोट नहीं है। तो यह स्पष्ट हो गया ना कि आगे के दिनों में जो महागठबंधन कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, तो बिहार की जनता ने तो तय कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट है, आप लोग अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। धन्यवाद। नीतीश जी को बीजेपी से अलग होने से नुकसान हुआ है और 2024 में फिर से 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। बीजेपी ने लालू और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, 2025 में बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ पार्टी उतरेगी। मनी सिटी पोस्ट लाइव पटना।